थैंक यू बाबू, थैंक यू मेरा बच्चा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी ब्लॉग। सुबह सुबह पूरी तैयारी ऑफिस जाने की, अक्षत आकृति उठ गए हैं। होमवर्क नहीं है क्या? हो गया बता। होमवर्क नहीं है। होमवर्क नहीं है? तो गाइस सुबह सुबह बने हुए ये दोनों सुस्ती की दुकान, इनको हम बहुत देर से उठा रहे थे, बड़ी मुश्किल से उठे हैं। हेलो बताओ। हम वहाँ पे उठे जब आपने हमें उठाया। आपने हमें उठाया था शायद ये 8 o'clock के लिए। आकृति तो क्या बोल रही है? आकृति कह रही है ये देखो, मैंने कह रही है मम्मा आप तो सुस्त बने पड़े हो, कि हमसे कुछ सीखो, कि अभी अभी उठे हैं हम, देखो कितने एक्टिव बने हुए हैं, एक्टिव को दिखाना थोड़ा। तो गाइस आज ये सब जने उठे लेट, जबकि इनकी आज बताओ क्या हरकत थी, क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? नहीं उठे भाई, उठ गए वो। उन्हें दिखाओ, उनको 8 o'clock बजे दिखेगा ही नहीं, 8 o'clock बजे। तो गाइस आज ऐसा हुआ कि कल रात को इन्होंने मेरे को बोला था कि सुबह सुबह आज 7:30 बजे क्लासें आएंगी, तो मैं उस हिसाब से 7 बजे का अलार्म लगा के खुद 6:30 बजे का उठाऊं, और ये लोग उठे 8:30 बजे। नहीं आप लोगों ने ऐसा क्यों किया यार? आपने भी इतना कुछ नहीं किया। इन्होंने 6 बजे उठे, 6 बजे की 6:30 बजे, 6:30 बजे नहीं 7 बजे, 6:30 बजे उठाऊ मैं। 6:30 बजे उठे और 7 बजे का अलार्म लगाया। हाँ क्योंकि 7:30 उठता था पहले। तो आप लोग कितने बजे उठे ये भी बताओ ना। हाँ तो इन्होंने ऐसा किया आज मेरे साथ, बल्कि मेरे को बोल दी क्लास लग रही आप जल्दी उठा देना हमको, और मेरे को उठा रहा हूँ और ये सब सो रहे। वाह। तो गाइज अभी भी पहुंचा मैं घर, आज बहुत लेट हो गया ऑफिस से और भूख बहुत ज्यादा लगी है, और लंच बहुत बढ़िया सा तैयार है, तो लंच करते हैं। होते कि लंच वगैरह हो गया है, उसके बाद अब मैंने जाना है दूध लेने, क्योंकि दिन में आज मैं बहुत लेट हो गया था, तो मैं डायरेक्ट घर आया हूँ, अभी मैं जाता हूँ दूध लेने के लिए। पूजा यार कुछ लाना क्या? हाँ चावल लेने। हाँ और चीनी और दूध ले आता हूँ, है ना? बस दो चीज़ें, बाकी सब है क्या? हाँ तो ठीक है। तो आकृति आपके लिए कुछ लाना बेटा मार्केट से? अक्षत आपके लिए? हाँ। क्या? हाँ। क्या हाँ हाँ खाएगा? चीजी क्या खाएगा? कुछ खाएगा मार्केट से? चिप्स। चिप्स चलो ठीक है। कैसे नहीं नहीं पहले पहले क्या पापा को बोलो जल्दी, पापा लेके नहीं आएंगे, जल्दी बोलो। बताना क्या खाएगा? चिप्स। तो गाइस अक्षत के लिए आ रहे चिप्स, आकृति के लिए? मेरे लिए भी। आपके लिए भी? चलो ठीक है। आप लोगों की पढ़ाई होगी ना आज? गाइस मैं आया हूँ मार्केट से अभी भी वापिस, और मेरे पीछे पीछे आ गई है क्यूट, ये देखिए आगे क्यूट, और पूजा लाई है उसके लिए बिस्किट, ये देखिए क्यूट को ये बिस्किट बहुत पसंद है, आप देख सकते हैं। तो ये मेरे पीछे पीछे मोटरसाइकिल के पीछे आ गई, क्योंकि उसने देखा कि मैं आ रहा हूँ, तो ये मोटरसाइकिल के पीछे पीछे आ गई। क्यूट मेरा बाबू, क्यूट मेरा बच्चा। आपने इसकी पहले वाली वीडियो भी देखी थी, ये बहुत ही प्यारी बच्ची है। क्या बच्चा मेरा बच्चा, खा लिया खा लिया खा ले खा ले मेरे बुक्कू को, खा ले खा ले मेरा बच्चा, ये क्यूट मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है जी, क्यूट क्यूट है ये। कहाँ थे तू, कहाँ था? चल चल हो गया, ओके बाय बाय क्यूट, बाय बाय। गाइस बच्चों के लिए आ चुके हैं चिप्स, और मेरे जाने और आने के बीच में ही पूजा ने बना दिए मेरे लिए कॉफ़ी, और अब फटाफट कॉफ़ी पीते हैं, और उसके बाद मैंने करनी है एक्सरसाइज। तो गाइस अक्षत आकृति आ गए हैं छत पे प्ले करने के लिए, प्ले कम हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे झगड़े लड़ाइयाँ शरारतें ज़्यादा हो रही हैं।
तो गाइस हम सबको थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आजकल बिल्कुल फ़ोन में व्यस्त हो जाते हैं। बस फ़ोन दे दो, आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल बंद रहती है। इसलिए हम सबको खुद को भी इनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी ये बच्चों का हम भविष्य सेव कर पाएंगे। मैंने अभी अभी एक मतलब बोली है बात, एक मतलब कहा है कि यार हमें सबको अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम जरूर देना चाहिए। तो आपके बारे में आप क्या बोलते हो? मतलब क्योंकि बच्चे आजकल स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, है ना, तो उनके एक्टिविटीज आउटडोर तो हो ही नहीं रही है, वो फोन पे ही बैठे रहते हैं। तो हमने सोचा चलो इनको थोड़ा सा एक्टिविटीज भी करवाते हैं, वरना ये बैठे बैठे ही रह जाएंगे, है ना। हाँ, तो इसलिए ज्यादा नहीं तो आधा घंटा तो हमको देना ही चाहिए, थोड़ा टाइम निकालना चाहिए शाम को, थोड़ा सा घुमा लो बच्चों को या थोड़ा सा खेलने पे लग जाओ उनके साथ, है ना। तो इसके साथ साथ ये चीज थी, हां ताकि ठीक है यार, थोड़ा निकल जाए और ब्लड भी अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। हाँ, आकृति का कहने का मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो आकृति और अक्षत सिस्टम प्ले कर रहे हैं, तो जबरदस्ती का प्यार, ये पता क्या, जाने मेरी जाने मन, जबरदस्ती का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ओए ओ तो गाइस, वैसे हम बैक साइड से उत्तराखंड के पहाड़ी हैं, तो पूजा अभी अपनी मम्मी से पहाड़ी में बात कर रही है, थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज सुनते हैं। मम्मी तेरे भले भले एडिटिंग करवे डाला तक के तो स्मार्ट ला ली बिल्कुल। अच्छा, हां तक एकदम गौर चिट एकदम पहाड़ वाले। हाय फेस तो कौन दे यार, बंद ना बैठ। ओहा बंद तो लागले ना, ये दीवार के दिखा, फेस तो दिखा, फेस तो दिखाने नहीं मिला। अरे हेलो हेलो, आप दिखा मेरा फेस दिखाओ, दीवार तो दिखा रहे हो क्या? नई दीवार लगी है, और गांव का क्या हाल चाल है? बस ठीक है। बारिश बुरिश हो रही है? आप सुनाओ। बस बढ़िया है एकदम। बारिश बुरिश हो रही है? नहीं, धूप आ रही है। तो ठीक है, आपने है हाँ। तो आपने ना इस बार दिल्ली में आना है शादी में, और वहां पे बिल्कुल फुल ऑन मस्ती होगी, ठीक है? ठीक है, अपना ध्यान रखना और पूजा से बात कर लो। ये पूजा के साथ बात हो रही थी गाइस, उनकी मम्मी का फोन आया हुआ है। अब तेरे वाले वीडियो हेल्प हो। तो गाइस, डिनर बिल्कुल रेडी है और अभी फटाफट कर लेते हैं डिनर। गाइस, डिनर वगैरह हो चुका है और इसी के साथ हम आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हमको और ज्यादा मोटिवेशन मिले और हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सके। हाँ, और कह रहा अक्षत, कह रहा सेव भी कर लो ताकि आप हमेशा देख सको। तो गाइस, इसी के साथ हम आज का ब्लॉग करते हैं एंड। तो आ जाओ करते हैं।